तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं या इसका फॉर्म जो है वो कौन कौन भर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब बटन है उससे दबा दें और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ठीक उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें। इससे मैं अपने आने वाले नए नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचा पाऊंगा। दोस्तों आपको हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल में आपको मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, इन सब टॉपिक पे मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं और हो सकता है ये वीडियोस आपके काम आए। आप यहां से इसे फ्री में देख सकते हैं और सीख सकते हैं। प्लीज़ मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है और इससे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों प्रधानमंत्री योजना इंदिरा आवास योजना का ही नया नाम है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 नवंबर 2016 को आगरा में लागू की थी। इस योजना का लाभ 2011 की जनगणना के अनुसार आपको मिलेगा। इस योजना में तीन चरण में कार्य किया जाएगा। पहला चरण जो है वो अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक है और दूसरा चरण जो है वो अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक है। तीसरा चरण जो है वो अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक है। तो चलिए जान लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन कौन फॉर्म जो है वो नहीं भर सकते हैं। तो पहला नंबर में आप ये जान लीजिए कि जिनके पास पक्का मकान, पक्की छत, पक्की दीवार वाले मकान है या फिर दो या दो से अधिक कमरे हैं तो वैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इस प्रक्रिया से उन्हें डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। और सेकंड नंबर जो है वो है अगर आपके पास दो पहिया है या तीन पहिया है या फिर चार पहिये वाले कोई गाड़ी है और इसके साथ ही जिनके पास मछली पकड़ने की नाव है वो इस योजना के तहत नहीं आते हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उनकी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी अगर वो फॉर्म भरते हैं तो। और तीसरा नंबर जो है अगर आपके पास 50,000 रुपया या उससे अधिक या किसान क्रेडिट कार्ड है तो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह चौथा नंबर जो है वे परिवार जिसके कोई सदस्य जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। वे परिवार जिसके सदस्य 10,000 या उससे अधिक वाले काम करते हैं तो वो इस प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे अगर वैसे व्यक्ति कोई फॉर्म भरते हैं तो। और वे परिवार जो टैक्स देते हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वे परिवार जिसके घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वो इस आवास योजना जो है उसके तहत आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। वे परिवार जिसके पास लैंडलाइन फोन है वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, वो भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वे परिवार जिनके पास ढाई या ढाई एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि है और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। वे परिवार जिनके पास दो या दो से अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये बातें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बहुत लोग हैं जो बिना ये सब जाने और वो अप्लाई कर देते हैं और उनकी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमारी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट क्यों कर दी गई है। तो दोस्तों ये सब बातें जो मैंने अभी बताई, ये बातों को अगर आप ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।